Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I am going to discuss inventory valuation. To understand the concept of inventory valuation, we need to first understand cost of inventories and second, net realizable value. Cost of inventories mean, or you can say cost of inventories include the purchase price of the inventory, means the bought value of the inventory including taxes, transportation, handling, or any other costs related to buying value or buying transaction of the inventory, less any kind of trade discount received at the time of purchase. Second, the cost of conversion including fixed or variable manufacturing cost or overheads are also included in cost of inventory. Third, other costs incurred to bring the inventory to their present location means transportation cost. Sometimes we produce goods in factory and then deliver to the shop for sale. The cost of transportation of goods or bringing the goods from the factory to the warehouse or warehouse to the shop for selling of goods are also included in the cost of inventory. मतलब इसको अगर हम आसान लफ्जों में समझें तो cost of inventories में उसकी purchase price और purchase price से related मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज कोई भी हमने टैक्सेस पे किए हैं एनी काइंड ऑफ टैक्सेस और एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ब्रिंग दीज इन्वेंटोरीज टू योर बिजनेस प्रेमिसेस प्लस एनी काइंड ऑफ हैंडलिंग कॉस्ट. हैंडलिंग कॉस्ट में आप अगर एग्जांपल्स देखें तो लोडर्स जो उसको लोड करेंगे व्हीकल्स पे और देन अनलोड करेंगे वो हैंडलिंग कॉस्ट में आ जाती हैं चीज़ें. दीज कॉस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज. Less discount received at the time of transaction. Matlab when you bought the goods and received the discount which is called trade discount, this should be subtracted from the cost of purchase. Second, cost of conversion means ke you bought raw materials, then you bring that raw materials in your factory and then process it into finished goods or semi-finished goods. तो एनी काइंड ऑफ कॉस्ट जो उस फैक्ट्री में इंकर होगी टू कन्वर्ट दीज गुड्स इनटू सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स उसमें फिक्स भी हो सकती हैं वेरिएबल भी हो सकती हैं कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है लाइक लेबर वेजेस है बिल्स हैं फैक्ट्री के या एनी अदर कॉस्ट है जो भी फैक्ट्री में इंकर होगी वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी का पार्ट बन जाएगी. थर्ड, वो कॉस्ट जो आपको गुड्स की मूवमेंट में इंक्लूड होती है. एक तो फर्स्ट हमने रॉ मटेरियल्स या एनीथिंग वी बॉट और देन हम उनको टेक कैरी करते हैं अपनी प्रेमिसेस तक वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसका पार्ट बन गई प्लस अपनी प्रेमिसेस में एक प्रेमिसेस से दूसरी प्रेमिसेस तक एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में हमारी जितनी कॉस्ट इंकर्स होती हैं दीज आर ऑल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी. Second term which involved in inventory valuation is net realizable value, which is known as NRV. NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion or estimated cost necessary to make the sale. Necessary to make the sale. ये एनआरवी होती है. मतलब कि अगर हमने कोई गुड्स जो हमारी गुड्स अवेलेबल हैं उनकी हम मार्केट वैल्यू चेक करेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ दीज गुड्स क्या है फिर हमें उन्हें सेल करने के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इंकर करने पड़ रहे हैं तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो देन वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड एनी एक्सपेंस टू मेक दीज गुड्स सेलेबल. मतलब अगर वो इनकम्प्लीट गुड्स है पूरी फुली कंप्लीटेड नहीं है
हमें उनको कंप्लीट करने के लिए फर्दर कोई कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, या हमारी गुड्स वो डैमेज है उनमें कुछ रिपेयर करनी पड़ेगी तब वो सेल होगी, वो एक्सपेंसेस उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर विल बी कंसिडर एज NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और ये नीचे उसका फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, NRV इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक दीज गुड्स सेलेबल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ NRV। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी यू शुड फर्स्ट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड देन नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी, एंड द मेथड और द रूल टू रिकॉर्ड द इन्वेंटरी इज इन्वेंटरी आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मीन्स इन इजी वर्ड्स, यू फर्स्ट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड देन फाइंड आउट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फार्मूला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एनी एक्सपेंसेस टू मेक दीज गुड्स सेलेबल। फिर दोनों में से आइडेंटिफाई करो कि लोअर वैल्यू कौन सी है, कॉस्ट कम है या NRV कम है। जो वैल्यू कम होगी उस पे हम इन्वेंटोरी को रिकॉर्ड करेंगे, अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर NRV कम है तो हम NRV पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है बेसिक मेथड टू रिकॉर्ड या बेसिक रूल टू रिकॉर्ड इन्वेंटोरी, के कॉस्ट और NRV में से जो भी वैल्यू कम होगी, एनी वैल्यू विच इज लोअर इन बिटवीन कॉस्ट और NRV विल यूज टू रिकॉर्ड द इन्वेंटरी, या इसको अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, कि दोनों में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड होगी। अब हम इसकी एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हम सपोज करते हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी $200 है, सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंटोरी $250 है, सेलिंग एक्सपेंसेस $100 है। तो देन हम फर्स्ट उसकी NRV कैलकुलेट करेंगे। NRV जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको जब हम देखेंगे तो दैट वाज 200 और 250 माइनस 200 इज इक्वल टू, सॉरी 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 150। सो नाउ चेक कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी इज 200 एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज $150। सो वैल्यू ऑफ इन्वेंटोरी विच इज लोअर, इन दिस केस NRV इज लोअर, सो वैल्यू ऑफ इन्वेंटोरी इज इक्वल टू $150। इन सेकेंड एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी 2300, सेलिंग प्राइस 2700 माइनस रिपेयर कॉस्ट 200 इज इक्वल टू $2500 इज द NRV, कॉस्ट इज $2300 एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज $2500। इन दिस केस कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी इज लोअर, सो वैल्यू ऑफ इन्वेंटोरी विल बी रिकॉर्डेड एट $2300। दैट्स इट। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंटोरी वैल्यूएशन, और यू कैन से द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंटोरी वैल्यूएशन, बेसिक मेथड ऑफ इन्वेंटोरी वैल्यूएशन, के इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV।
In first example, net realizable value is lower than the cost, so we recorded the inventory at NRV. And in second case, the cost of inventory is $2,300 and NRV is $2,500, and cost of inventory is lower than the net realizable value, so we record the inventory at cost $2,300. I hope you have understand the whole concept of inventory valuation. Okay, thank you.